अब सरहद की सुरक्षा सौर ऊर्जा के जरिए भी की जाएगी। बॉर्डर से सटे राज्यों के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ हुई बैठक में गुजरात में इस प्लान पर मंथन किया गया। राजस्थान के ऊर्जा विभाग ने इस आधार पर काम करना शुरू कर दिया है। बॉर्डर क्षेत्र के पास ये सौर ऊर्जा पार्क भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड तैयार करेगा। सूरज की रोशनी से पाकिस्तान पर नजर, रात में सौर ऊर्जा से दमकेगा बॉर्डर। बॉर्डर की बंजर जमीन पर बनेंगे सौर ऊर्जा पार्क। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड करेगा तकनीकी मदद। राजस्थान के 1037 किलोमीटर बॉर्डर पर होंगे विकसित। वर्तमान में 50,000 खंभों पर खींचे गए बिजली के तार, 1,50,000 हाई मास्क लाइट से हो रही बॉर्डर की निगरानी। अब इन सभी में जुड़ेगा सोलर पावर का कनेक्शन। 3500 करोड़ की लागत से बदलेगा पावर मोड। बॉर्डर एरिया में 1700 किलोमीटर का क्षेत्र ऐसा है जहां सौर ऊर्जा संभावनाएं ज्यादा हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना अब सीमा पर लगी फ्लड लाइट्स का करंट सौर ऊर्जा से लेने की तैयारी में है। इसके लिए नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने प्लान तैयार कर लिया है। राजस्थान सरकार ने भी जमीन उपलब्धता और अन्य सुविधाएं देने में अपनी सहमति प्रदान कर दी है। सेना, केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ राजस्थान और गुजरात की सरकारों के डिस्कॉम्स जल्द ही इस बारे में बैठक करेंगे। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला कहते हैं कि पाकिस्तान से सटी राजस्थान की सीमा को अब सौर ऊर्जा से रोशन करने की कवायद चल रही है। इन इलाकों में फिलहाल जोधपुर विद्युत वितरण निगम के माध्यम से बिजली सप्लाई की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हर महीने करीब 40 लाख यूनिट बिजली खर्च होती है। इसका हर महीने का बिल करीब 3 करोड़ रुपए आता है। ग्रिड बनने से जो बिजली डिस्कॉम्स को बेची जाएगी उससे बिजली खर्च में बड़ी कमी आएगी। इसके अलावा बीएसएफ की हर सीमा चौकी पर करीब 1.5 किलोवाट का ब्रेनी इको और इन्वर्टर लगाया जाएगा जिसमें 500 मेगावाट सोलर पैनल और बैटरी होती है। इसके बारे में गुजरात, राजस्थान और केंद्रीय मंत्री जी के साथ मीटिंग के बाद एक हमारी अलग से मीटिंग हुई और उसमें ये तय किया गया है कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में जमीन हमने आइडेंटिफाई कर ली है। अब डिफेंस और केंद्रीय सरकार के अधिकारी फ्लड लाइट्स जितनी भी हैं, जो हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में जितनी भी लाइट्स हैं उनको सोलर एनर्जी के माध्यम से वो देने का प्रयास कर रहे हैं। तो सोलर एनर्जी तो हमारे ग्रिड में चली जाएगी और हम रेगुलर ग्रिड से उनको शाम के वक्त में बिजली दे देंगे। ये काम भी आने वाले 2-3 महीने में बहुत अमली जामा इसको पहना दिया जाएगा। राजस्थान और गुजरात में बॉर्डर का बड़ा क्षेत्र बंजर भूमि के तौर पर दिखाई पड़ता है। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और कच्छ में इन सौर ऊर्जा पार्कों को विकसित करने की पूरी संभावनाएं हैं। केंद्र और राज्य सरकारों का ये प्लान सेना के खर्च को कम करने के साथ बॉर्डर एरिया में बसी आबादी को भी 24 घंटे बिजली की सुविधा मुहैया करवाने में मददगार साबित होगा। पाकिस्तान से सटी सीमा पर पहरेदारी अब सौर ऊर्जा की रोशनी में होगी। देश भर में करीब 1.5 लाख लाइटें लगी हुई हैं। भारी भरकम बिल के चलते अब सेना और ऊर्जा मंत्रालय ने एक विशेष प्लान बनाया है जिसके तहत सीमावर्ती जिलों में, जिनमें राजस्थान के भी 4 जिले शामिल हैं, उनमें सौर ऊर्जा से पहरेदारी करने का निर्णय लिया गया है। इससे बड़ी संख्या में धन की बचत तो होगी, साथ ही सौर ऊर्जा के वैकल्पिक संसाधनों का इस्तेमाल भी हो सकेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर।